चलते हैं गाइस, शॉपिंग करके आते हैं, थोड़ा सामान लेके आते हैं, कपड़ा वगैरह। तो गाइस देखिए, इधर बहुत ही प्यारा अरसी का लड्डू बन रहा है, बना रहे हैं इसको कोमल को रोज सुबह दूध के साथ, शाम को दूध, एक गिलास दूध और शक्कर, गुड़ का भी बनाए हैं। और ये कमर उमर के लिए बहुत फायदा कर रहा है, देखिए हमारी बहुत काम करती है, आज मम्मी का हम पैर दबा देंगे। हाँ मम्मी, दोस्तों मैं आ गया हूँ दुकान पे से लगवाने, भैया देखे ढूंढ रहे लगाने के लिए, काफी ढूंढने के बाद दुकान मिला, क्योंकि तो गाइस देखिए, इधर बहुत ही प्यारा अरसी का लड्डू बन रहा है, अब अंदर से कुछ कह रही हैं। और गाइस ये डब्बा ना मम्मी हमारे घर आती थी ना, हमने कितने, मतलब मैं 11 साल से दिल्ली में रह रही हूँ, ज्यादा नहीं, पहले तो 2-2.5 लीटर मिला, जब से किट्टू का शादी हुआ तब से ये वाला डब्बा तेल आने लगा था, और मैं ऐसा डब्बा कितना फेंक दी, जो मम्मी आए, मम्मी बोली डब्बा क्या करती हो, ये फेंक देते हैं, करे बहिनी रे बहिनी का करे फेंका तू, एक डब्बा रख के एक दाल चावल दाल यही सब राशन रखा था, हम ये ठीक बात है, लेकिन अब फिर रहने पर जब मम्मी आई बहुत फेंक दी, बहुत मैंने बर्बाद किया ऐसे डब्बा को, अब मम्मी को हमने दे दिया है, तो मम्मी शायद इसमें लड्डू भर के रखेंगे। सच में यार मैं भी पागल थी, देखो क्या खराब हुआ है डब्बा, ये अच्छा लग रहा है, कुछ भी राशन भर के रख दो, किचन में से लाए ऐसे तो डब्बा करने जाएंगे 50-60 भी मिलता है, हम लोग थोड़ा फेंकते हैं, दुकानियों में बेचते हैं ना मम्मी वहाँ पर, दुकान देखो इस बार मैंने भी लाया 5 किलो का तेल, देखो तो रखा हुआ था, देखो ये लड्डू मम्मी बना रही हैं, बहुत ही टेस्टी बहुत ही प्यारा लड्डू है ये, बंदा दी खाए कैसा लगा आपको? हमको इसी का लड्डू अच्छा लगता है, किसी का अच्छा लगता है। तो बहुत सारा आइटम मिला हुआ है, चाय बना दीजिए थोड़ा सा, साफ सफाई इतना बचा हुआ है, अच्छी तुम भी खा लो एक दो पीस, मम्मी ने बना के पहले कोमल को दिया टेस्ट करने के लिए, और उधर लेटी हुई है अपना और खा ली है, तो मम्मी देखिए अपना बांध रही है अरसी का सठौरा, पहले मम्मी ने अरसी भूज लिया था, मम्मी कैसे बनाई थोड़ा बता दो। पहले अरसी को भूज लिए, हाँ भूज के फिर मिक्सर में उसको हम चला दिए, मतलब पीस दी, हाँ पीस दिए, हाँ तब इसको हम इसमें सब मेवा जो जो मेवा मिलता है जानते हैं आप लोग, काजू बादाम बादाम और छुहाड़ा पोस्ता दाना चिरौजी और तेखू जानते हो, आते आरा रोड, यहाँ पे आरा रोड जानते हैं, लेकिन एक तेखू मिलता है दानेदार, देसी घी में मैंने भूज लिया इसको सब चीज, भूज करके मैंने चीनी को मिक्सर में भी पीस दिया, पीस करके तब उसका भी सोट भी डाला जाता है, सोट का पाउडर और सब डाल करके मिला करके अब इसे इसको बना रहे हैं, इसको कोमल को रोज सुबह दूध के साथ, शाम को दूध, एक गिलास दूध और सठौरा, गुड़ का भी बनाए हैं और अलसी का भी बना दिए हैं, लेकिन ये वाला ज्यादा टेस्टी लग रहा है मम्मी खाने, ये कमर उमर के लिए बहुत फायदा कर रहा, देखो क्या कर रहा है ऋषभ बेटा, हट जाओ ऋषभ, बर्तन लगा रहा जाली में, तो मम्मी बहुत मेहनत कर रही हैं, अब मेहनत बेटे और बहू के लिए कर रहे हैं, अब बेटा बहू हमारा भी समझे, अरे मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, हमेशा हम साथ रहेंगे, हाँ लेकिन हमारे बच्चे भैया करते हैं जो कहते हैं, तो मम्मी जब यहाँ से जाएंगी ना दोस्तों, बहुत दुख होगा, बहुत याद आएगा, हम तो बोले मम्मी तुम यहीं रह जाओ फिर, लेकिन पता है गांव में भी घर है, वहाँ भी रहना जरूरी है, अब वहाँ अकेले वहाँ वो है, वहाँ हाँ दो है। बच्चे हैं, फिर संभालना मुश्किल हो जाता है, देखते हैं गाइस कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, क्या ऋषभ पिज्जा खाने वाला था, पिज्जा आने में भी 1 घंटा टाइम लग रहा था, तो मम्मी छट्टी का सामान वामान कुछ लाना है, क्योंकि 2 दिन बाद छट्टी को क्या, बस उस दिन अचवानी बनेगा, पूड़ी बनेगा, बच्चों को नहलाया जाएगा और कोमल को नहलाया जाएगा, अच्छा और उस दिन नहीं क्या पूरी सब्जी अचवानी बनेगा और बरही को जो होता है रसम पूजा पा, तो चलो गाइस जिसको खाना है वो आ जाइए हमारे यहाँ दिल्ली में, और जिसको अगर नहीं खाना है तो कोई बात नहीं,
और बना के भी खा सकते हैं। मम्मी ने बता दिया कैसे कैसे बनता है। अब मम्मी नेक्स्ट टाइम अगर इसका बनाएंगे तो उसकी रेसिपी जरूर डालेंगे हम। बहुत प्यारा लग रहा है। तो गाइस मैं जा रहा हूँ मार्केट और शायद घर का मिक्सर ना खराब हो गया है। मम्मी तैयारी कर रही थी छट्टी का ना, तो उसको मैं कुछ पीस रही थी तो गर्म होके शायद वो टूट गया। जाके बनवा के लाते हैं गाइस। और कुछ छट्टी का सामान, पूजा पाठ जो होता है थोड़ा सा उसका सामान भी लाना है, कुछ कपड़े भी लाने हैं। तो चलता हूँ मैं मार्केट, शॉपिंग करके आता हूँ। मुझे बहुत मम्मी हमारी बहुत काम करती हैं, आज मम्मी का हम पैर दबा देंगे। हाँ मम्मी दबा देंगे। नहीं देखो एक किसी का वीडियो देखे थे, वो अपनी बीबी का पैर दबा रहा था, उसमें कमेंट आया था कभी अरे बीबी का पैर दबाते हुए सब नजर आते, कभी माँ का पैर दबाते। नहीं आज हम मम्मी का पैर दबा रहे हैं। बोल रहे हैं कि इस बार हम जाएंगे मम्मी का पैर दबा कर वीडियो बनाएंगे, आज सबके मुँह का जवाब देंगे। नहीं नहीं हम दबाएंगे, मम्मी बहुत काम करती है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, इसे बनवा के लाते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं बनेगा ना तो घर में सब्जी नहीं बन पाएगा। बहुत चीजें होती जो पीसना होता है तो वो पेंडिंग रह जाएगा। तो चलते हैं, शाम का टाइम हो गया है, चाय वगैरह पी लिया है और चटोरा वगैरह बन गया है, सब छट्टी की झमाझम तैयारी हो रही है यहाँ पे। अब देखते हैं और तो मेवा धरे और अब 1 किलो चीनी का वो भी बना देंगे पीला। ठीक है मम्मी, तीन किसी का सिठौरा बने दे। मम्मी पहले जमाने की घी का ही होगा। और क्या जी, पहले मेरी हाँ, मेरी मम्मी बहुत हमको मानती थी, बहुत मम्मी मतलब नानी नानी। तो दोस्तों हम लोग के नानी नाना इस दुनिया में नहीं है, बचपन में बहुत सुंदर अच्छी हम लोग अच्छी। गाइस हमारे मम्मी के मम्मी पापा नहीं, मतलब हमारे नाना नानी दुनिया में नहीं है। हाँ नन्ना तो हमारे एकदम जैसे नहीं, एकदम लंबे हट्टे कट्टे खूब मस्त एकदम स्मार्ट थे। कभी उनका जवानी का फोटो दिखाएंगे आप लोग को, गांव जाएंगे तब। और नानी भी हमारी बहुत सुंदर थी, हमारी मम्मी भी बचपन में बहुत सुंदर थी। पहले जब मम्मी का शादी हुआ तो घर में लोग उनको हेमा मालिनी बोलते थे, बिल्कुल मतलब डिट्टो वैसे ही दिखती रहती थी। अब एज हो गया इसी हिसाब से चेहरा डल हो जाता है। तो चलते हैं इसे बना के लाते हैं दोस्तों। और ऋषभ सब के मैंने पिज्जा मंगा दिया, ऋषभ सब हंसी बोल रहे पिज्जा खाऊंगी पिज्जा। मम्मी खा रहे, अरे मम्मी रोज सब यही बनाई खाती रहती। अरे तो गांव में रहती तो आती करने खाने क्या हुआ अक्षर, तो अगर हम बुलाते तो खिलाते ना, खिलाते ना परिवार वाले। क्या हो गया कभी यार, ऐसा होता है ऐसे सिचुएशन की खुशी के मौके पे कहा नहीं जाते हैं, आओ खाओ मस्त रहो और क्या। मायके जाती तो होता ना, समझ मायका ही है। तो पिज्जा आने में टाइम लग रहा है क्या, चलो आएगा तो सामान खाना रहता है। चलते हैं गाइस शॉपिंग करके आते हैं, थोड़ा सामान मान लेके आते हैं, कपड़ा वगैरह। गाइस देखिए इसी बीच पिज्जा आ गया है सबसे अच्छी के लिए। सब खाएंगे कि बस इसी सबसे अच्छी खाएंगे सब क्या, लेकिन पहले थोड़ा छोटा बना दिया है जी, हमें लग रहा है पिज्जा ना अच्छा लग रहा है पिज्जा। और दिन जो तारे मॉल में खिलाए गए माँ वाला बेकार था, ऐसे चपरा रहा इनके तो मुंह में पानी आ रहा होगा। नहीं ना थोड़ा सा नहीं बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा दे सकते हैं एकदम, जैसे पेड़ पर नहीं खिला सकते इनको, दे दी थोड़ा सा खाने में कहीं नहीं है बचा गया। चलो गाइस पिज्जा उज्जा खा लेते हैं, ये नहीं खाना है मम्मी मम्मी ला तू। मैं तो जा रहा था मार्केट उसमें पिज्जा ही आ गया, तो मैं गया नीचे फिर लेके आया। सब कुछ दिया जाएगा थोड़ा 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 सब दो। अच्छा दे दो फिर, जो खौरी में खाई पचाई रही है रवि ने तो बड़ा वाला। नहीं ठीक है एक बार हम खा लेते हैं फिर इसके बाद सीधे मार्केट में। दोस्तों मैं आ गया दुकान पे से लगवाने, भैया देखे ढूंढ रहे लगाने के लिए, काफ़ी ढूंढने के बाद दुकान मिला, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नए हैं तो पता नहीं होता है कौन चीज़ कहाँ है, तो पूछ पूछ के मैं आया हूँ यहाँ पे दुकान पे। देखते हैं कितना टाइम लगता है, वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये कितना टाइम लगेगा, 2-3 मिनट लगेगा बस।
यहाँ चलते हैं फिर सीधे और सामान लेते हैं, फिर आप उससे मिलते हैं दोस्तों। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है बाहर आज। तो गाइस मैं आ गया हूँ सीधे फ्रूट के दुकान पे, और मुझे पपीता लेना था क्योंकि ऐसे टाइम में आशा ने बोला था कि पपीता खाना चाहिए। थोड़ा इससे क्या होता है, लूज मोशन सॉफ्ट होता है, तकलीफ नहीं होता है, आप लोग को पता है छोटा ऑपरेशन हुआ है तो पपीता खाना थोड़ा सा अच्छा होता है। तो फाइनली गाइस थकते हुए आ रहे हैं मार्केट से, और इसमें देखिए बेबी का कपड़ा है और इसमें इनके लिए पपीता है। मिक्सर भी देखिए हमारा बन गया है मस्त एकदम। मम्मी काफ़ी परेशान हो गई थी, कैसे 50 रुपये लिए, क्या 30 रुपये लिया बनवाने का यार, ठीक लिया ना तू सामान लगा के? क्या बगनीचे का वही लगाया और क्या, 10 रुपये का मिलता ही है। हाँ लेकिन लगाने का और लेते हैं, दुकान किए थे तो पता है ना। हाँ भैया का दुकान था तो, और हमके कौन गेट खोल रहा है यार। तो मम्मी इसमें देखिए कपड़ा मैंने ला दिया, शॉपिंग कर दिया हूँ दोस्तों। वहाँ पे मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि वहाँ पे बोल रहे थे भैया वीडियो बनाना मना है। हाँ तो मैंने नहीं बनाया क्योंकि भाई कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग जहाँ वीडियो बनाते पहले पूछ लेते हैं भाई, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाना भी अच्छी बात नहीं, कोई बोल देता तो बुरा लगता है। तो दोस्तों उसमें क्या कौन सा कपड़ा लिए, बच्चा जो हमारा छठे वाले दिन पहनेगा ना तब आप लोग को दिखाएंगे, और बहुत जल्दी मतलब हम छठी वाले दिन ही इसका फेस रिवील करेंगे दोस्तों, उसी दिन होगा। तो उसकी बुआ जी उसकी आंखों में काजल लगाएंगे ना तभी उसका फेस रिवील होगा। अरे तबड़ा मत कर देना बहनी, तो मम्मी से रख दो पपीता, इनके लिए लाएंगे, इनके पपीता बहुत जरूरी है। अरे बाप रे बाप कितनी गर्मी है बाहर यार, कहा बताए एकदम ना करे जवा सूख ही जाता। अरे हम सोने सुबह उठ जाते हैं बस ऊपर नीचे काम भाग लगा ही रहता है। मेरा आदत क्या है ना, मम्मी दोस्त मैं बोलती समय भूल जाता हूँ, फिर आता हूँ ये भूल गए तो फिर मैं जाता हूँ, क्योंकि लाना अम्मी को होता है तो बार बार अप डाउन हम मेरे लिए फायदा है, थोड़ा सा वेट कंट्रोल हो जाएगा। तो चलिए चाबी बनवाते हैं, फोन कर ले चाबी लेके मार के। चलो कोई नहीं, रुको ना, बनाओ खाओ खा के जाओ। चलो गाइस बने रहिए, मिलते हैं आप लोगों से। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो दोस्तों देखिए मम्मी इधर रात के खाने की तैयारी कर रही है, बना रही है आलू बैंगन टमाटर सोयाबीन डाल के, मेरा फेवरेट सब्जी है ये। तो बैंगन नहीं खाता हूँ मैं, और न बैंगन कोमल खाती है। कोमल को नहीं देंगे, कोमल को है तोरी का सब्जी। हाँ कोमल खाएगी, नेनुआ की सब्जी, तोरी की सब्जी और दाल है। ये देखिए मम्मी ने कैसे प्यार से डब्बे में मतलब चाय बैंगन काट के रख दिया है, और सब लोग देखिए लेटे हुए हैं। देखिए इसी भी जीजा भी आ गए ड्यूटी से, क्योंकि ये लोग इधर ही थे तो घर पे गए जीजा, वहाँ बंद था तो जीजा को नाश्ता पानी मैंने करा दिया है, बना था ताजा ताजा अस्सी का लड्डू। कैसा था जीजा? बहुत ही अच्छा, बहुत टेस्टी था। आप तो नहीं खाते ना अस्सी का लड्डू? नहीं खाता लेकिन अच्छा था, टेस्टी था, मैं खा लिया। अच्छा चलिए खाना वाना खा के जाइएगा, खाना खाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। अरे नहीं ज़्यादा टाइम हो जाएगा, नंद कैसे खिला रही है ये सब नहीं खिलाता है, मोबाइल देखो कैसे चला रहा है। गाइस थोड़ा बिखरा हुआ है, आप लोग कभी कहना है लोग ज़्यादा रहते हैं तो चादर हट जाता है, क्योंकि लोग उतरना चढ़ना होता है, कितनी बार नहीं सही करें हम लोग। सोनाक्षी देखिए इधर अपने नानी जी का हेयर झाड़ रही है, सोनाक्षी को अच्छा लगता है। चार घंटा से झड़ी है, सुबह स्कूल जाएगी ना मम्मी सोनाक्षी, अरे बच्चा। A few moments later. गाइस सब लोग चले गए हैं और हम लोगों ने खाना पीना खा लिया है, और आज मेरा पता है हल्का हल्का सा दर्द कर रहा था तो हमके थोड़ा चश्मा लगा लेते हैं, जब दर्द करता है तभी लगाते हैं। और पता है मम्मी ने बोला था कोमल के लिए पान, तो हम तो गए थे मार्केट तो हम कहे वहीं से लेते आएंगे, तो एक बार थैंक यू बोलना उनको बनता है, तो थैंक यू अमित एंड किट्टो जी, ये पान लाया है कोमल के लिए। मम्मी बोल रही थी कि उनका जबड़ा शायद कमज़ोर हो जाता है ये मुँह, तो पान खाएंगे थोड़ा उससे शायद कुछ होता है, तो जो मम्मी को पता है अपना बता दिया उन्होंने,
अच्छा मसूड़े वही जबड़ा हो गया जी, जबड़ा मजबूत करने के लिए पान मंगवा दिया है मम्मी ने। अब ये कब खाओगी जल्दी, अभी थोड़ा बाबू की सेवा पानी में लगी हुई है, तो जैसे फिर इनको पान खिलाते हैं गाइस। तो आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं तक, शॉपिंग वगैरह हो गया है, आगे बहुत सारा काम है। आप लोगों को पता है 2 दिन बाद छठी है, तो छठी का हम बड़े धूमधाम से मनाएंगे, होना चाहिए भाई, घर में लक्ष्मी है तो धूमधाम से मनाना चाहिए। और आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और बेल आइकन बटन दबा देना, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। चलो बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली।